हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा GTA 5। तो भाई पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई ट्रेवर गया था एक बंदे के पास मिलने के लिए, जिससे हम पहले भी मिल चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हम किससे मिले थे तो पिछली वीडियो जरूर से आकर खेलना, पिछली वीडियो काफ़ी सही थी। मतलब तो पिछली वीडियो में हमने क्या कहता मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पिछली वीडियो में भाई हमने हंटिंग वगैरह की थी, जानवरों का शिकार वगैरह किया था ट्रेवर ने, तो उस वहाँ से भी हम अपना कैंप कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा खास होने वाली है, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई आज की वीडियो में फ्रैंकलिन माइकल के पास जाने वाला है। क्योंकि माइकल कुछ पिछली वीडियोस में ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन हम तीनों ने मिलकर कोई भाई रोबरी वाला काम किया था, मतलब एक डिवाइस निकाला था सबमरीन में से, और वहाँ से भी हम अपना गेम कंटिन्यू कर रहे हैं, उस मिशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो मिशन नहीं देखा तो पिछली कुछ वीडियोज जाकर देख लेना, पता चल जाएगा। और उसके आगे मतलब उसके बाद मुझे ये बताओ यार, ये वाली कार कैसी लग रही है, मतलब कार देख के बताओ कैसी लग रही है ये कार। मैंने पिछली मतलब थोड़ी देर पहले अभी कार गेम में मंगवाई है, और इस ये कार में अगर आपको नहीं पता कौन सी है तो मैं बता दूं, ये कार बुगाटी है, बुगाटी शायद से चिरोन है या पता नहीं कौन सी है, तो है बिल्कुल एकदम लेटेस्ट मॉडल, और भागती भी बड़ी सही है, और ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी सही है इसकी। तो इस कार के साथ अभी हम चलते हैं अपने एच वाले निशान पर। तो एच वाले निशान पर भाई हमारा काफ़ी बड़ा मिशन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मैं पक्का से माइकल ही मिलने वाला है, क्योंकि एच वाले निशान से आने से पहले भाई हमने माइकल से बात करी थी फ़ोन पे, कॉन्फ्रेंस पे लेकर ट्रेवर को। तो ओके, तो भाई अभी हमारा ये 2.5 माइल की दूरी पे दिखा रहा है, और थोड़ा सा दूर है हमारी लोकेशन, लेकिन कोई बात नहीं, ये कार हमें भाई जल्दी पहुँचा देगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट कार है, और इसकी लुकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है पीछे से। तो अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पर, देखते हैं वहाँ आके क्या करना होगा। तो यार फाइनली अपनी लोकेशन पर तो हम पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो हमेशा से जब भी हमारा कोई बड़ा मिशन स्टार्ट होता है तो हम इसी जगह पे मिलते हैं। ओके भाई ठीक है, तो मैं समझ गया, यहाँ पर हम पहले भी आए थे, तो मैं आपको बता दूँ ये जगह कौन सी अगर आपको नहीं पता। तो ये FIB का भाई कोई मतलब कोई सीक्रेट खुफिया सा अड्डा है, हालांकि खुफिया तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन भाई यहाँ पे FIB वाले बंदे इकट्ठे होते हैं, तो अभी शायद से हमें उनसे मिलना होगा। और ये वही जगह है जहाँ पे हमने कुछ पिछली वीडियोस में चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे खड़ा किया था। ओके भाई माइकल बैठा है यहाँ पे। ओके ओके, तो भाई टी को ये पूछ रहा था फ्रैंकलिन के टी कहाँ है, तो टी भी पीछे से आ गया है। टी मतलब ट्रेवर, ये ट्रेवर को दोनों के दोनों टी बोलते हैं। ओ भाई हमेशा से नंगा पुंगा घूमता रहता है ऐसे। ओके तो भाई प्लान बता रहा है फ्रैंकलिन। ओके तो भाई मोबाइल में कुछ सेट वेट कर रखा खतरनाक तरीके से। ओके भाई ये वीडियो पूरी देख के जाना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मिशन को करने में, क्योंकि भाई ये मिशन बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। क्योंकि भाई जब भी ये तीनों मिलते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया किस्म का मिशन होता है, क्योंकि हमें तीनों से बराबर खेलने का मौका मिलता है। और ये नंगा क्यों आया मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, इसके कपड़े वपड़े कहाँ हैं। ओके तो हो सकता है भाई अभी ये फ्रैंकलिन माइकल ट्रेवर यानी तीनों यानी इस चीज को लीड तो माइकल ही कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है माइकल कुछ लूटने वगैरह का कुछ प्लान बना रहा है, तो देखते हैं क्या होगा यार। और ये लेके क्या जाने वाले। ओके तो भाई अभी हम मास्क पहनने वाले हैं, जो अभी ट्रेवर ने कुछ पिछली वीडियोस में इकट्ठे करे थे, तो देखना ये होगा कि हम कौन सा मास्क पहनेंगे। वैसे तो हम सारे प्लेयर से खेल सकते हैं, लेकिन देखते हैं अभी हमें कौन सा मास्क मिलेगा जिससे हम पहले खेलेंगे। ओके तो भाई शायद कॉस्ट्यूम, ओके कॉस्ट्यूम पहन लिया है, और सबसे बढ़िया मास्क देखते हैं कौन सा लग रहा है। ओके तो जो मुझे दोनों सही लगते हैं मास्क, वो एक बीच वाला है और एक लेफ्ट साइड वाला है। राइट साइड वाला भी ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला मास्क है, अगर आपने वाइस सिटी खेला है, वैसे तो वाइस सिटी आपने खेला ही होगा, तो वाइस सिटी में जब हम बैंक लूटते हैं आखिरी के मिशन में, तो वहाँ पे वो वाला मास्क टोमी पहनता है, जो मास्क अभी हमने पहन रखा है माइकल ने। और अभी हमें जाना है, ओके कहाँ जाना है, सिप्रेस किसी जगह पे जाना है, पता नहीं कहाँ पे जाना, मैं पढ़ नहीं पाया एकदम सही। और अभी हमें वहाँ जाना होगा किसी जगह पे इस ट्रक को लेके, तो शायद से अभी हम कुछ पक्का से गड़बड़ करने वाले, क्योंकि भाई इतना भारी ट्रक तो हम किसी वजह से ही लेके जा रहे होंगे। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ चल के देखते हैं हमें करना क्या होगा। तो यार फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे आने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, और अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या, शायद से हम किसी का वेट वगैरह करने वाले हैं। ओके तो अभी हम, ओके भाई ये ट्रेवर खड़ा हुआ है, ट्रेवर से अभी माइकल ने पूछा है कि मैं यहाँ पर पोजीशन पे पहुँच चुका हूँ, और अभी फ्रैंकलिन सॉरी माइकल ट्रेवर से कुछ पूछ रहा है। ओके तो शायद से हम इस गाड़ी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रक आ रहा है, तो शायद से हमें इस पर शूटिंग वगैरह करनी होगी, मारना होगा इसे, तो अभी देखते हैं भाई क्या होगा। ओके तो ओके मैं समझ गया, ओके मैं समझ गया भाई, तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो ट्रक अभी हम चला रहे हैं, तो अभी जो ट्रक हमने जिसको टारगेट किया है उस ट्रक को हमें रोकना होगा। मैं समझ गया भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा कोई काम होने वाला है खतरनाक सा। ओके अभी देखते हैं क्या होगा, शायद से हमें किसी ट्रक को रोकना है, तो अभी करना क्या है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। ओके टर्न द ट्रक इन ब्लॉक लेन्स,
ओके यहाँ पे करना क्या है मेरा ये समझ नहीं आ रहा। टर्न द ट्रक एंड ब्लॉक द लेंस ऑफ द रोड। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रोड को ब्लॉक करना है, लेकिन रोड को ब्लॉक कैसे करना है? मैंने तो रोड को ब्लॉक तो कर दिया। ओके शायद से ऐसे करना होगा। ओके शायद से ऐसे ही करना था, मैं समझ गया। तो अभी हमने ड्राइवर को बता दिया कि जो हम ट्रक को हम टारगेट कर रहे हैं हमने उसे रोक दिया है, यानी अब जो ट्रक भाई ये आ रहा है इसको हमें रोकना था और अब ये पक्का से रुकेगा। ओके तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ पक्का से ऐसा है जो हमें चाहिए। तो भाई यहाँ पे फ्रैंकलिन फाइनली आ चुका है और अभी ये टक्कर मारने वाला है और अभी मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ और भाई अब इसमें लगेगी खतरनाक तरीके से टक्कर और ये गया गुत्थी का। ओ भाई साहब फाइनली धक्का मार दिया इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर। ओ भाई साहब दीवार ही तोड़ डाली पूरी की पूरी। अब भाई ये खतरनाक सीन हो गया। भाई माइकल निकल के आ चुका है बंदूक लेके। तो माइकल तो वहाँ पे अपनी पोजीशन लेके खड़ा हो चुका है और यहाँ पे लिखा है प्लांट अ स्टिकी बॉम्ब ऑन द रियर डोर्स ऑफ द ट्रक। ओके तो मुझे ओके मैं समझ गया। तो मुझे शायद से इस गाड़ी के डोर पे बम लगाने होंगे और बम लगा के मुझे शायद से इस गाड़ी का डोर खोलना होगा। ओके तो शायद से मुझे ये डोर पे बम लगाने। ओ भाई साहब मैंने डोर लगा दिया। अब यहाँ लिखा है मुझे इस जो बोले बम लगाया है इसको फाड़ना होगा और फाड़ के भाई साहब देखते हैं अब क्या। ओ भाई साहब और इसके अंदर से कुछ पक्का से माल निकलना, माल तो नहीं निकला इसके अंदर से, इसके अंदर से दो लोग निकले हैं शायद से, हो सकता है ये पुलिस वाले हों। ओके इसके अंदर से कोई चीज निकली है जो माइकल ने इकट्ठा कर ली है और अभी देखते हैं इन भूतने वाले को क्या करना होगा यहाँ पे। ओके तो अभी यहाँ पे लिखा है, अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा, अभी शायद से पुलिस वाले आने लग गए हैं और ये लोग तो यहाँ से भाग गए हैं। ये मुझे नहीं पता कौन लोग थे, हो सकता है पुलिस वाले हों। वैसे तो ये पुलिस वाले नहीं थे फिलहाल, भाई पुलिस वाले पीछे लग चुके हैं हमारे और यहाँ पे चार स्टार आ चुके हैं एकदम से ही। और यहाँ पे लिखा है ओके तो अभी भी माइकल ने हमसे बोला है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तो शायद से हमें माइकल का पीछा करना होगा अभी। और यहाँ पे लिखा है कि पुलिस वालों से हमें लड़ना होगा। ठीक है भाई बहुत बढ़िया, अभी इनकी जल्दी से बैंड बजा के यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या करना होगा। वैसे तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हमें एक्चुअली में करना क्या है प्रॉपरली। तो हमें इस गाड़ी में से कुछ चाहिए था वो तो हमने ले लिया फाइनली और अभी देखते हैं क्या होगा। मैं इन सब की एक काम करता हूँ, गाड़ियाँ फाड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भाई जल्दी से ये वाली बंदूक ले लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, इकट्ठा उड़ा देगी सबको। ओ भाई साहब ये सही काम कर दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। ओके अब कहाँ जाना होगा यहाँ से? अबे भाई ये क्या हो गया? ओके तो मुझे शायद से ड्राइवर बनना होगा, ड्राइवर बन के देखता हूँ। ओ भाई साहब शायद से मुझे अभी माइकल बनना होगा क्योंकि माइकल बनने की डिमांड आ रही है। ओके तो मुझे इन सबसे लड़ना होगा पुलिस वालों से, तो शायद से अभी इनसे भाई फाइटिंग करनी होगी, ओवरऑल फाइटिंग करके यहाँ से निकलना होगा। ओ भाई पुलिस वाले यहाँ पे चारों तरफ है हर जगह। अबे भूतनी वालों कहाँ से आ रहे हो तुम इतने सारे? ओके भाई अभी मैं बन चुका हूँ ड्राइवर और मुझे यहाँ पे लिखा है कि टेक आउट द हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर कहाँ है? ओके हेलीकॉप्टर ये रहा, ले भूतनी के तूले। ओ भाई बच गया ये, अब गया भाई ये। अबे भाई बच गया, दो बार बच गया ये, लेकिन इस बार नहीं बचेगा ये भूतनी वाला, इस बार गया लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी पोजिशन ठीक करनी पड़ेगी। ओके ले भूतनी के, अबे भाई तीन बार बच गया ये भूतनी वाला। ओके भाई मुझे थोड़ा सा टारगेट, अब गया पक्का। ओ भाई इस बार गया क्योंकि इस बार मैंने सही टारगेट बिठा दिया था, मतलब पोजीशन वगैरह। ओके तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मुझे ओके यहाँ पे अब भाई एक ही स्टार बचा है, चार स्टार थे पहले तो तीन स्टार गायब हो चुके हैं और एक ही स्टार बचा है और यहाँ पे एक गाड़ी लेके मुझे यहाँ से भागना होगा। तू भूतनी का ये ले वो मार दिया भाई से, तो गार्बेज ट्रक मुझे लेके यहाँ से भागना होगा। तो ये जल्दी से गार्बेज ट्रक हम लेके भागते हैं। तो अभी हमें जाना पड़ेगा गेटवे लोकेशन पे, तो यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम के बंदे और हम यहाँ से भाग जाएंगे और भागने के बाद हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि अभी हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो शायद से बहुत खतरनाक सी प्लानिंग कर रहे हैं। और जो माइकल ने जो चीज़ ली है, मतलब जिस ट्रक में हम टक्कर मारी थी और जिस ट्रक में टक्कर मार के भाई हमने कोई चीज़ जो ली थी वो चीज़ बहुत ज़्यादा खास लग रही है। तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए अभी हम जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जो बहुत ज़्यादा मतलब सुनसान टाइप की जगह हो, एकदम खाली सी जगह या पार्क टाइप का, तो वहाँ पर जाकर अभी हम बात करेंगे और देखते हैं हमें क्या करना है। तो यार फाइनली अपनी लोकेशन पर हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि भाई ट्रक को लाना यहाँ पे मतलब आसान बात नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था क्योंकि भाई ट्रक बहुत ज़्यादा भारी होता है तो इसलिए तेज़ भाग नहीं पाता। और अभी हम ऐसी जगह पर आए हैं बिल्कुल एकदम मतलब सन्नाटे वाला इलाका है और फाइनली अपनी लोकेशन पर तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ओके या तो हमें नीचे जाना है, नहीं नीचे भी नहीं जाना। ओके शायद से मुझे दूसरी तरफ गाड़ी उतारनी पड़ेगी। अब ये भूतनी के रुक जा। ओके ओके मुझे अभी अंदर गाड़ी खड़ी करनी होगी क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा हुआ था गेटवे लोकेशन पे जाना है, तो हमें यहाँ पे अंदर गाड़ी खड़ी करनी है ताकि वह यहाँ पे एकदम सन्नाटे में हम बात वगैरह कर सकें। यहाँ पे मैं अंदर गाड़ी खड़ी करता हूँ, वैसे ये काफ़ी सही जगह है बात वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी कैसे होगी मेरा ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भाई यहाँ पे
ओके, यहाँ पे लिखा है कि मुझे गार्बेज ट्रक में बैठना है, तो मुझे शायद से दूसरे वाली साइड से अपना ट्रक लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जगह से ट्रक तो आ नहीं रहा। तो मैं काम करता हूँ, दूसरी वाली जगह से ट्रक को ले जाके देखता हूँ, और वहाँ से शायद से ट्रक आ जाएगा। तो यार इस गेटवे लोकेशन के दूसरे हिस्से पे मैं आ चुका हूँ, और जैसे ही मैं इस दूसरे हिस्से पे आया तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी भी आया था कि मुझे इस गार्बेज ट्रक को डिस्ट्रॉय करना है। तो भाई मैं इस ट्रक से बाहर निकल जाता हूँ, और ये जो एरिया है ये बिल्कुल एकदम सन्नाटे वाला एरिया, मतलब यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस गार्बेज ट्रक को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अभी हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो भाई मुझे नहीं पता अभी मिशन पास होगा या फेल होगा, वैसे तो पास ही हो जाएगा, क्योंकि वैसे हमें अंदर जाना था। वहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा वो जो जगह है, वहाँ पे अंदर जाके हमें से फाड़ना था, लेकिन यहाँ पे खड़े करते यहाँ पे लिखा आ गया कि मुझे इसे फाड़ना होगा, क्योंकि वैसे भी ये वहाँ पे अंदर जा नहीं जाता। तो मैंने सोचा अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि मुझे इसे यहीं पे फाड़ना है, तो मैं इसे यहीं पे फाड़ देता हूँ। तो भाई अभी वाले पार्ट में मैं मारने वाला हूँ ट्रक को, और देखते हैं फिर क्या होगा। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे हमने अपना ट्रक तो भाई फाड़ दिया, और हमारा मिशन यहाँ पे मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है कि अभी हमें एक व्हीकल में बैठना होगा, तो व्हीकल कौन सा होने वाला है मुझे नहीं पता, तो अभी वहाँ पे चल के देखते हैं। और ऊपर की तरफ एक व्हीकल बना हुआ आ रहा है। ओके, तो मैं समझ के ये शायद से वही व्हीकल होने वाला है, जिस मतलब ये वहाँ पे व्हीकल होगा जहाँ पे गेटवे लोकेशन है, जहाँ पे मतलब एक छुपी हुई जगह है। तो सामने एक छुपी हुई जगह है, वहाँ पे मैंने पिछली बार एक गाड़ी छोड़ी थी, शायद से हमें उस गाड़ी में बैठना होगा, और गाड़ी में बैठ के हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो भाई देखो फ्रैंकलिन से भागा भी नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाली जगह है। ओके, तो भाई सामने मैंने ये एक मतलब ये मैंने कुछ टाइम पहले छोड़ी थी यहाँ पे कार, और ये अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है। तो इसमें बैठ जाते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे इस गार्बेज ट्रक से दूर जाना है, तो इस गार्बेज ट्रक से पहले दूर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, इस कार को यहाँ से कुदा देता हूँ मैं, ये बड़ा सही काम करती है। गई कार गई। ओके भाई कार तो गई, और अभी हम कॉल कर रहे हैं माइकल को, और अब देखते हैं क्या होगा। ओके, तो अभी ओके, तो भाई अभी माइकल ने बताया फ्रैंकलिन को, अभी हम किसी से मिलने वाले हैं, और हम किससे मिलेंगे ये माइकल बाद में बताएगा। लेकिन फ्रैंकलिन से अभी हम माइकल पूछ रहा था कि क्या तुमने उस ट्रक को जला दिया, तो हमने उसको बता दिया कि हमने उसे जला दिया है। और यहाँ पे लिखा है कि हमें अभी डेविन्स के हाउस जाना होगा, तो डेविन हमारा एक्चुअली में दोस्त है जो कि माइकल का दोस्त है। तो अभी हमें वहाँ पर जाना होगा उसके घर पर, और देखते हैं हमें क्या बातचीत करनी है। तो हमें शायद उसको सब कुछ बताना होगा जो अभी अभी हमने कराया अपनी टीम के साथ मिलकर। तो चलते हैं वहाँ पर जल्दी से और देखते हैं क्या करना है। तो यार फाइनली अपनी लोकेशन पर हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। शायद सिर्फ डेव का घर है, तो यहाँ पे हम पहले कभी भी नहीं आए, मेरे ख्याल से हम पहली बार ही आए हैं। तो भाई घर तो बड़ा खतरनाक है, और हमने जो चुराया था वो जो हमने ट्रक में से चुराया था बहुत खास तरह की चीज़ थी, और हम वो लेकर आ गए दोस्त को देने के लिए। और अभी देखते हैं क्या होगा। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड पर्चा मांग रहे हैं, लेकिन पर्चा मांगते रह गए सिक्योरिटी गार्ड, और हम अंदर आ के चले गए, मतलब आते ही चले गए। और ये बंदा जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिच लग रहा है, क्योंकि इसके पास जो गाड़ी खड़ी है ना यार, ये गाड़ी देखो एक बार। तो यार ये गाड़ी तो बड़ी ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे, ये कोई सुपर कार है। और अभी देखते हैं हम क्या करेंगे इसे देकर, ये पर्चा बहुत ज्यादा कोई खतरनाक हो सकता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये बंदा जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको जरूरत होगी इसकी। ओके, टॉप क्वालिटी स्कोर्स, बिग टिकट कार्स, मेजर पेडे ब्रो। ओके, तो भाई अभी ये बंदा बोल रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है करने के लिए। तो ये बंदा चाहता है कि हम कोई कार इकट्ठी करें इस बंदे के लिए, और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें उसके बदले में बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। I let him know you're interested. I guess okay. I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your price. तो ये बंदा चाहता है कि हम इसके लिए काम करें, लेकिन मुझे माइकल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा अभी। There we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retired, man, and I'm doing a finance deal for his studio. Okay, so... I will make the connect just as soon as you... तो अभी ये बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो अभी माइकल ने शायद से अपना प्लान बदल दिया है, तो क्योंकि माइकल शायद से इसकी मदद करने नहीं वाला था, तो माइकल को अब इसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो एक बार भी जरूर सोचना। तो शायद से माइकल हो सकता है इसके पास वापस आए और अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर से करवाए। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आकर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं अपने चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपकी कोई भी गेमप्ले वीडियो या सीरीज मिस ना। और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि कौन कौन से गेम्स मुझे अगली वीडियोस में खेलने चाहिए, मैं उन गेम्स को भी खेलने की ट्राई करूंगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।